कहानी की शुरुआत में हमें जूलिया नाम की लेडी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा मोटी होती है और इस वजह से उसकी शादी नहीं हो रही होती और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है इन सब से। जब वो अपने पड़ोसी को देखती है तो वो बहुत बूढ़ी होती है और उसकी भी शादी नहीं हुई होती, तो वो सोचती है मैं ऐसे अपनी ज़िंदगी पूरी नहीं निकाल सकती। तो वो रोड में निकल जाती है और वहाँ निकल के डांस करने लगती है दूसरे लोगों को पटाने के लिए, लेकिन वो लोग उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं तो जूलिया वहाँ से भाग जाती है। अब जूलिया एक गाड़ी वाले के पास जाती है और वहाँ जाके डांस करने लगती है अजीबोगरीब तरीके से, तो गाड़ी वाला भी वहाँ से डर कर भाग जाता है। अब जूलिया से सभी लड़के डर के भागने लगते हैं। अब वो डायरेक्ट अपने पापा के रेस्टोरेंट पहुँचती है, वहाँ उसका पापा उससे पूछता है तुम कहाँ गई थी, तो वो बोलती है मैं अपने लिए लड़का ढूंढने गई थी। तो उसका फादर बोलता है तुम केवल एक चोई लड़के से ही शादी करोगी। तभी उसकी मॉम आ जाती है और वो बोलती है नहीं तुम केवल एक इंडियन लड़के से शादी करोगी। तभी उसकी बहन आ जाती है और वो बोलती है नहीं तुम एक जापानीज़ लड़के से शादी करोगी। ये फैमिली तीनों का ही मिक्सचर होती है और तीनों ही सोचते हैं हमारी हमारी जाति में इसकी शादी हो। तभी जूस बोलता है तुम माइकल से शादी कर लो जो कि मेरा एक वर्कर है, क्योंकि वो जूस इंडियन और जापानीज तीनों ही है। लेकिन माइक जूलिया को देखकर मना कर देता है कि मैं इससे शादी नहीं कर सकता। माइक भी उसके मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी जूलिया कस्टमर को सर्व करने लगती है, वहाँ पे ग्रांट नाम का एक कस्टमर आता है जिसे जूलिया देखकर इंप्रेस हो जाती है और ग्रांट भी उसे देखकर पसंद करने लगता तभी है। जूलिया का फादर उसे बुलाता है तो जूलिया मुड़ती है जिससे उस ग्रांट के चेहरे पर केतली लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी जूलिया पलट के देखती है तो ग्रांट वहाँ नीचे गिरा होता है, लेकिन जूलिया को लगता है ग्रांट भी उसके मोटापे से दुखी होकर भाग गया। अब जूलिया डायरेक्ट मैरिज ब्यूरो के पास जाती है और वहाँ पर बोलती है मुझे शादी करनी है। तभी मैरिज ब्यूरो वाला उसको उसके हालात को देखता है और उसे उसका एक हुलिया सुधारने के लिए मैकेनिक के पास लेके जाता है जहाँ उसका मोटापे को कस बोल्ट करके वो लोग पतला बना देते हैं। अब मैरिज ब्यूरो वाला वहाँ पर सभी लेडीज़ों को लेकर जाता है, वहाँ एक लड़का आया होता है जो कि अपने लिए पसंदीदा लड़की को चूज़ करेगा। तो ग्रांट वहाँ पर जूलिया को देखता है और वो जूलिया को पसंद कर लेता है। इसके बाद जूलिया और ग्रांट एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। इसके बाद जूलिया ग्रांट को अपने घर लेके जाती है जहाँ वो उसके वॉशरूम में जाता है जहाँ एक बहुत बड़ा सा कच्चा रखा होता है जो कि एक हाथी के बराबर होता है जिसे देखकर वो डर जाता है। इसके बाद वो बाहर आके सेलिब्रेट करने लगते हैं और जैसे ही वो वाइन का ढक्कन खोलता है वो वाइन एक का ढक्कन एक एंटीक पीस में लग जाता है और वो गिर के टूट जाता है। दरअसल उसमें उसकी ग्रैंड माँ की अस्थियाँ होती हैं जो कि बिखर जाती हैं। इसके बाद उसका फादर ग्रांट पे गुस्सा होने ही वाला होता है, लेकिन तभी जूलिया ग्रांट को लेकर बाहर निकल जाती है और वहाँ पर वो लोग टहलने लगते हैं। तभी एक शॉप मिलती है जिस शॉप में ग्रांट जाता है और वहाँ से एक रिंग खरीद के जूलिया को प्रपोज कर देता है। इसके बाद ग्रांट जूलिया के सभी पेरेंट्स को लेकर जाता है अपने घर में सबसे मिलवाने के लिए, तो वहाँ सब बैठे होते हैं। वहाँ जूलिया से सब क्वेश्चन पूछते हैं तुम शादी कब करना चाहती हो, तो जूलिया बोलती है मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद जूलिया का फादर जूलिया से बोलता है मुझे लगता है कि ग्रांट तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है, लेकिन जूलिया बोलती है मैं ग्रांट से ही शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद वो चले जाते हैं। इसके बाद ग्रांट जूलिया को लेकर एक एक वाटर पार्क में जाता है जहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एंडी भी मिलती है। अब एंडी और ग्रांट बातें करने लगते हैं तो जूलिया उनको देख के जेलस होने लगती है। इसके बाद जूलिया अपने लिए वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने जाती है तो एंडी भी वहाँ आती है और एंडी बोलती है मैं शादी तक तुम लोगों की हेल्प करूँगी। इसके बाद जूलिया बोलती है कि ये ड्रेस बहुत ज़्यादा बड़ी है इसको छोटा करवाओ। एंडी जाके मैनेजर से बात करने लगती है, तभी जूलिया लड़खड़ा जाती है और वो एक इलेक्ट्रिक पैनल से टकरा जाती है जिसे शॉक लग जाता है। जब जूलिया को होश आता है तो उसे पता चलता है वो दूसरों के मन की बातें जानने लगी है, उसे सबके मन की बातें समझ आने लगती हैं। तभी एंडी खड़ी होती है, एंडी सोच रही होती है कि कुछ भी हो जाए मैं लोगों की शादी नहीं होने दूंगी। इस तरह से जूलिया समझ जाती है। जूलिया उसकी नाक तोड़कर डायरेक्ट मैरिज ब्यूरो के पास पहुँचती है और उसे बोलती है एंडी जब तक नहीं आई थी तब तक सही चल रहा था, लेकिन एंडी के आते ही सब कुछ खराब हो गया। तभी
मैरिज ब्यूरो वाला बोलता है तुम ग्रांट को एक डांस के लिए लेके जाओ। उसके बाद वो मैरिज ब्यूरो वाला उसे डांस भी सिखाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने पर इनकी शादी का दिन आ जाता है और शादी के दिन जूलिया के फेस पे बहुत बड़ा सा पिंपल हो जाता है जिसे वो हटाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन वो हटता नहीं है। और वहाँ पर ग्रांट उसका वेट करता रहता है और जूलिया ऑलरेडी बहुत लेट हो गई होती है। तो एंडी कहती है अब वो नहीं आएगी, मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ, मुझसे शादी कर लो। लेकिन ग्रांट उसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो जूलिया से प्यार करता था। तभी एंडी उसे ज़बरदस्ती किस करने लगती है, तभी जूलिया ये सब देख लेती है। अब जूलिया गलत समझ लेती है कि ग्रांट और एंडी साथ में कर रहे थे, तो जूलिया वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। उसके बाद ग्रांट जूलिया को मनाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन जूलिया नहीं मानती। इसके बाद जूलिया के फादर बोलते हैं तुम माइक से शादी कर लो। अब फैमिली की खुशी के लिए जूलिया भी इस शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद माइक और जूलिया की शादी हो रही होती है, लेकिन उसका फादर देखता है जूलिया इन सब से खुश नहीं है, तो वो बोलती है ठीक है तुम ग्रांट के पास चली जाओ। तो वो भाग के ग्रांट के पास जाती है। वो लिफ्ट से ऊपर चढ़ रही होती है तभी ग्रांट दूसरी लिफ्ट से नीचे उतर रहा होता है और वो बिल्कुल बाबा बन चुका होता है। जूलिया उसे ढूंढते ढूंढते थक जाती है, वो कहीं नहीं मिलता, तो वो ऊपर चली जाती है और छत पर जाकर वो जैसे ही रेलिंग को पकड़ती है, रेलिंग टूटी हुई होती है और जूलिया नीचे गिरने लगती है। तभी वहाँ पे नीचे ग्रांट खड़ा होता है जो कि अपना दुखड़ा रो रहा होता है भगवान से, और जूलिया उसके हाथ में गिर जाती है। और इस तरह से ग्रांट और जूलिया के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी ग्रांट उसे दूर करता है और जूलिया भी मान जाती है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है।